हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम से सॉफ्ट मिठाई बनाने की रेसिपी। जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे मिठाई घर पे बनाकर खा सकते हैं। और क्या है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाली है, इसलिए हम घर पे ही मिठाई बनाकर खा सकते हैं और भाइयों को खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ किस तरह से इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई हम घर पे भी बनाकर त्योहारों में भाइयों को खिला सकते हैं रक्षाबंधन के अवसर पर। तो ये मेरा है बोतल में जो कि छेना का पानी है, इसे मैं दूध फाड़ लूँगी। आप लोग देख सकते हैं ये मिठाई की दुकान में आसानी से मिल जाएगी, अगर आपके यहाँ नहीं है तो। अगर वो भी नहीं है तो नींबू से भी आप दूध को फाड़ सकते हैं। मैंने छेना का पानी डालकर इसे फाड़ लिए हैं, मेरी दूध फट चुकी है। इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसे मैं निकाल ली हूँ छान कर। इसे हथेलियों की मदद से मसलते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बर्तन में मैंने निकाल दिए हैं, तो हथेलियों की मदद से इसे मैं मिला देती हूँ। इसे रसगुल्ले जैसी बॉल को शेप दे देंगे, रसगुल्ले जैसा बॉल बना लेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनने वाली है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं इधर मैं चाशनी डाल दी थी, एक कप चीनी में अढ़ाई तीन कप पानी डाल दिए हैं। एक कप चीनी ले सकते हैं जिसमें अढ़ाई या तीन कप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे चाशनी गाढ़ी नहीं बनानी है, चाशनी थोड़ी पतली ही रखनी है, क्योंकि मैं रसगुल्ले की बॉल बनाई हूँ, बिल्कुल रसगुल्ले जैसी इसे बनाएंगे। आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं इन रसगुल्लों से कुछ अलग मिठाई बनाती हूँ, बिल्कुल हलवाई जैसी। इधर मेरा थोड़ी सी दूध है, आधा लीटर से भी कम दूध है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे कढ़ाई में डाल दी हूँ, गैस पे चढ़ा दिए हैं। इसे क्या करेंगे कि सारी दूध को मैं सुखा दूँगी, इसे खोवा बनाऊँगी। साथ में मैं इलायची पाउडर को भी डाल दी हूँ चूर कर। देख सकते हैं दूध उबल रहा है, जैसे ही मैं एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। दो से तीन या चार चम्मच इसमें चीनी को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि खोवा है तो खोवा में थोड़ी मीठा होना चाहिए। चीनी भी डालेंगे, मीठा कम बेसी अपने अनुसार कर लीजिएगा। मीठा खाते हो तो चार से पाँच चम्मच चीनी डाल दें, अगर मीडियम चाहिए नॉर्मल मीठा तो दो से तीन चम्मच ही ठीक है, काफ़ी है। इन रसगुल्लों को मैं पानी निचोड़ दूँगी, रस को निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं ये मेरा कलर फूड है, इसे मैं खोवा में डालूँगी। इससे क्या होगा कि खोवा का कलर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उससे आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी दिखेगी दोस्तों। इस तरह से भी आप लोग घर में बनाकर खाइएगा। ये देखिए इसे मैं खोवा में थोड़ी सी डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी डालना है। इससे क्या होगा कि खोवा के कलर हल्का चेंज हो गया है। इन रसगुल्लों को इन खोवा देख सकते हैं, खोवा इस तरह से हाथ में ले लिए हैं, इस तरह से चिपटा बना लिए हैं, डाल लिए हैं। रसगुल्ला को मैं इसमें कवर कर दूंगी, इस तरह से गोल गोल करके रसगुल्ला को उसमें मैंने डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई, एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। बहुत ही आसान है, घर पे आसानी से बन जाती है, दिखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। सारे लोग खुश हो जाएंगे, इस तरह का मिठाई आप लोग घर में बनाकर खिलाइएगा सभी को। तो ये है नारियल का बुरादा, इसे नारियल पाउडर भी बोलते हैं। मिठाई को इसमें हम लपेट लेंगे नारियल का बुरादा में, इस तरह से एक बर्तन में रख लेंगे थाली में।
इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सारी मिठाई में मैं बुरादा को लगा देती हूँ। आधी मैं खोवा डालकर बनाई हूँ, खोवा में कवर कर दी हूँ रसगुल्ले को। आधी ऐसे ही देख सकते हैं, आधी ऐसे ही रहने दिए हैं रसगुल्ला को, सिर्फ नारियल का बुरादा मैं लगा दिए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पर नए हैं तो। बाय बाय, थैंक।